किया है, एसपी गिरफ्तार किया है, एमपी कह रहा है गिरफ्तार करना, गर्मी बाद में दिखाना। मनीष कश्यप चोर है, चोर है, चोर है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं। आप लोगों से मैं कह दूं कि थोड़ा उधर बाहर दिखा दीजिए, बाहर कितना भीड़ है सब। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का बड़ा खुलासा किया रविकांत भारती ने, आप पहले वो वीडियो के लिए देखिए। एसपी गिरफ्तार किया है, एमपी कह रहा है गिरफ्तार करना, गर्मी बाद में दिखाना। मनीष कश्यप चोर है, चोर है, चोर है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं। आप लोगों से मैं कह दूं कि थोड़ा उधर बाहर दिखा दीजिए, बाहर कितना भीड़ है, सब पत्रकारों का भीड़ लगा हुआ है। गिरफ्तारी पे कितना खुशी है लोगों में, आपको बता दे दोस्तों, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, आप कितने बड़े भी पत्रकार हो, कितने बड़े भी यूट्यूबर हो, चाहे कुछ भी हो, तो तुमको यह ज्ञान होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में क्या लिखा है। संविधान के खिलाफ कार्य करोगे तो कार्य तुम्हारा अगर गलत होगा तो डेफिनेटली तुम जेल में जाओगे। इसके ऊपर पूर्व कितने मुकदमे थे, और अभी जो है तमिलनाडु बिहार दो जो है राज्य के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास करके, वो भी सन बिहार टाइटल, सन बिहार का बेटा टाइटल लगा के, बताइए पूरे बिहार को बदनामी के तरफ यह बंदा झोंकने आया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज गिरफ्तार हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जगदीशपुर थाना का, जिसने गिरफ्तार किया उस बंदे को और दिखाया कि बिहार की धरती है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नफरत का कोई भी स्थान नहीं है। जो प्रशासन कहेगा हम उसको मानेंगे कि मनीष कश्यप की बात मानेंगे। आपको बता दे कि इसके घर कुड़की जब्ती शुरू हो गई थी, और कुड़की जब्ती पहले नोटिस चिपका था, और यह बार बार एक ही बात कह रहा था कि नहीं मैं नहीं गिरफ्तारी दूंगा, तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा, और इस तरह की अनर्गल बातें किया करता था। लेकिन जैसे ही इसकी गिरफ्तारी के पहले कुड़की जब्ती शुरू हुआ, आ रहा होगा, हो सकता है सरेंडर कर रहे, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा, पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो किसी भी प्रकार का सरेंडर नहीं किया। ये तो कह रहे थे कि 180 दिनों में जो है तेजस्वी की सरकार गिर जाएगी, या फिर मेरे गिरफ्तारी से पहले तेजस्वी यादव जी गिरफ्तार हो जाएंगे, उन्हें ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो आज सेफ है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो गई, इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए 180 दिन में कहना कि सरकार गिरा देंगे, आज से 180 दिन आप गिनने लगी पत्रकार महोदय, 180 दिन गिनिए। मैं कहता हूँ इसके औकात की बात रही थी, इसके हिम्मत की बात रही थी कि 180 दिन में सरकार गिरा देगा, लेकिन सरकार तो नहीं गिरा, तेजस्वी यादव गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन यह गिरफ्तार हुए। भाई अगर भारत के संविधान के तहत तेजस्वी जी अपराधी होंगे तो वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन गलत कार्य इसने किया। जो बताइए आप, तमिलनाडु के कितने लोग आते हैं बिहार में काम करने, बिहार के लोग तमिलनाडु जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरे तमिलनाडु में बिहारियों का कत्लेआम का षड्यंत्र रचा, आज यह पकड़ा गया, और संविधान के हाथ इतने लंबे होते हैं कि दूर से आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एसपी साहब से बात करेंगे, आप देखिए एसपी साहब से बात करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पे आ गए और मनीष कश्यप के अपराधी को फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो मैं बता दूँ, सुनो, भारत के संविधान के अनुसार बिहार पुलिस जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को 40 वीडियो में बोला है कि मैं नहीं मानता संविधान, आज उस बंदे को संविधान ने पटक के दिखा दिया कि संविधान क्या चीज होता है। दोस्तों इस तमाम मुद्दों के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।